अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाने में बहुत आसान है और जिसको बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। एक किलो पालक लेकर उसको अच्छी तरीके से धोकर और उसको 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। उबालने के बाद थोड़ा ठंडा कर मशीन में उसको बारीक पीस लेंगे। दरमियानी प्याज लेकर उसको बारीक काट कर और फ्राई पैन में तल लेंगे। तलने के बाद उसको जग में बारीक पीस लेंगे। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे, उसमें अदरक लहसुन डालेंगे, पिसी हुई प्याज डालेंगे, नमक, मिर्च और दही डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब पिसी हुई पालक डाल देंगे, थोड़ी देर भूनने के बाद दम पर रख देंगे। जब पालक तैयार हो जाएगी तो फिर इसमें कॉटेज चीज़ डालेंगे। चीज़ को हल्के तेल में फ्राई कर लेंगे। चीज़ की रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। चीज़ डालने के बाद थोड़ी देर के लिए दम पर रख देंगे, फिर उसको एक डिश में निकाल लेंगे। अब मज़ेदार पालक पनीर की रेसिपी तैयार है।